हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जी के ओशन यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू जी के ओशन यूट्यूब चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जी के और साइंस से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और ऐसे क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया जो कि पहले के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपके 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने जीके ओशन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, आज का हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, आंसर के साथ साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊँगी जिससे आपका रिविज़न हो जाएगा, तो सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपके सामने यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है बुध, ठीक है, जिसको हम लोग मरकरी भी कहते हैं। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है जुपिटर, और इसको हम लोग हिंदी में बृहस्पति कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, यहाँ पे बुध होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखा है, नागार्जुन सागर बांध, अलमाटी बांध, इंदिरा सागर बांध या कल्लानाई बांध। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कल्लानाई बांध। ठीक है, और ये सबसे भारत का सबसे पुराना बांध है और ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में नदी है कावेरी नदी, उसी पर ये बांध बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। लेज़र, रडार, सोनार या स्कूबा। तो पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो क्या है, सोनार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्व त्वरण शून्य होता है। देयर इज़ फोर ऑप्शन गिवन, समुद्र पर, ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर या पृथ्वी के केंद्र पर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा पृथ्वी के केंद्र पर। ठीक है, गुरुत्व त्वरण जो है शून्य होता है कहाँ पर, पृथ्वी के केंद्र पर। साथ ही साथ आपको याद कर लेना है, देखिए ध्रुवों पर गुरुत्व त्वरण जो है सबसे अधिक होता है। ठीक है, सबसे अधिक होता है। बात की जाए शून्य की तो ये पृथ्वी के केंद्र पर होता है, और बात की जाए सबसे कम कहाँ पर होता है तो ये होता है भूमध्य रेखा पर। इन तीनों चीज़ों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। हाइड्रोजन, पारा, ब्रोमीन या फास्फोरस। तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है वो कौन सी है, ये है मरकरी। ठीक है, यानी कि पारा। पारा को हम लोग मरकरी भी कहते हैं, और इसकी परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर होता है 80। ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। साथ ही साथ आपको ये भी याद कर लेना है, द्रव अवस्था पर पाई जाने वाली अधातु कौन सी होती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो यह है ब्रोमीन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 35। सभी फैक्ट आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया किस प्रकार का दोष है। ठीक है, साइंस के सेक्शन में पूछा जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए, मायोपिया किस प्रकार का दोष है। तो मायोपिया जो है ये निकट दृष्टि दोष है। इसमें क्या होता है, निकट की वस्तु तो दिखाई देती है मगर दूर की वस्तुओं में देखने में प्रॉब्लम होती है, और अवतल लेंस का यूज़ करके इस बीमारी को दूर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय राष्ट्रध्वज तिरंगे को संविधान सभा ने कब अपनाया था। आपके सामने यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखा है, 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1940, 26 जनवरी 1949 या 26 जनवरी 1950। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रध्वज तिरंगों को संविधान सभा ने कब अपनाया था, तो ये अपनाया था 22 जुलाई 1947 में। देखिए, रेशियो पूछा जाता है लंबाई और चौड़ाई का, तो याद कर लीजिएगा ये होता है 3:2। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिंधु जल समझौता कब हुआ था। ठीक है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था। देखिए, इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। देखिए, आपके सामने यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखा है, सबसे पहले आपको ये याद कर लेना है। देखिए, 6 नदियाँ हैं टोटल, व्यास, रावी, सतलुज और सिंधु, चेनाब और झेलम। ठीक है, तो इसमें से पानी का नियंत्रण किस नदी पर किसका है। देखिए, जो व्यास है, रावी है, सतलज है, इनमें जो नदी का पानी है इनका नियंत्रण इंडिया के पास है। बात की जाए सिंधु, चेनाब और झेलम की, तो
ये पानी का नियंत्रण इन नदियों पर किसका है? पाकिस्तान का है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को आपको जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्या होगा 1960 में। ठीक है, 19 सितंबर 1960 में ये हुआ था। ठीक है, उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे अयूब खान और भारत के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। याद कर लेना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी जो फैक्ट मैंने बताया उसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र ध्वज तिरंगे का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया जो राष्ट्रध्वज तिरंगे का जो रेशियो है लंबाई और चौड़ाई का वो क्या है 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो जो भारत का राष्ट्रगान है ये 27 दिसंबर 1911 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें ये गाया गया था पहले। ठीक है, तो 27 दिसंबर 1911। ठीक है, और जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था ठीक है इसी में इसको गाया गया था, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस अधिनियम के अंतर्गत द्वैत शासन व्यवस्था लागू किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट आपके सामने दिया भारत अधिनियम 1892 और तीसरा दिया हुआ है भारत परिषद अधिनियम 1909 या भारत परिषद अधिनियम 1919। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, किस अधिनियम के अंतर्गत द्वैत शासन व्यवस्था लागू किया गया था? यह है भारत परिषद अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध किनके मध्य हुआ था? ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। ठीक है, जो पहला तराइन का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? वो 1191 में हुआ था। ठीक है, और जो दूसरा हुआ था वो होता 1192 में। ठीक है, 1191 में जो हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और जो दूसरा वाला हुआ था उसमें जो है मोहम्मद गोरी विजय हुआ था। ये आपको अच्छे से याद कर लेना दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो ये थे कौन? ये थे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जो फादर इन लॉ है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करने के बाद गद्दी पे बैठे थे और इन्होंने स्वयं को दूसरा सिकंदर सानी कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? ठीक है, अंतर्देशीय जल निकास ये होता है कि जमीन के अंदर बहते हुए विलुप्त हो जाना, तो ये कौन सी नदी है? ये है लूनी रिवर। ठीक है, ये जो लूनी नदी है ये जो है अरावली पर्वत के निकट राजस्थान के अजमेर जिले के नाग पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम कृषि का संबंध किससे है? तो झूम कृषि का संबंध किससे है? ये है स्थानांतरित खेती से, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। जो मिजोरम मणिपुर ये सारे जो राज्य हैं यहाँ पे ये कृषि बहुत ही ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से हटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी? तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। ये कब हुआ था? 1989 में। इससे पहले जो है 21 वर्ष हुआ करती थी मताधिकार की एज, उसके बाद जब 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में उसके बाद ये जो है 18 वर्ष कर दी गई थी। और आपको याद कर लेना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है इसके बारे में भारत के संविधान में आर्टिकल 368 यानी कि 368 में बताया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं? तो लार की जो प्रकृति होती है ये अम्लीय होती है। जिसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? जिसकी पीएच वैल्यू होती है 6.5 से 7.5। ठीक है, और लार में एक एंजाइम पाया जाता है, इसका नाम आपको याद कर लेना है, ये है टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। ठीक है, और इसको 13 अगस्त 2014 में इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 13 अगस्त 2014 में इसको समाप्त कर दिया गया क्योंकि ये
और देखिए समाप्त कर दिया गया, और ये जो ये थी योजना आयोग प्लानिंग कमीशन जो है ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, उसकी जगह बाद में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 में। और जो नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या लोकसभा उपाध्यक्ष? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए जो ये होते हैं राज्यसभा और लोकसभा की जो संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट सिटिंग होती है, इसके बारे में भारत के संविधान में आर्टिकल 108 में बताया गया है। और इनको बुलाता कौन है, ठीक है, जो संयुक्त बैठक के करने के लिए किसे कौन किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो ये बुलाया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। मगर जो इनकी अध्यक्षता होती है इस मीटिंग की वो कौन करते हैं? लोकसभा के स्पीकर, ठीक है। मगर याद कर लीजिएगा, धन विधेयक और जो संविधान संशोधन विधेयक होता है उसमें ज्वाइंट सिटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। इसमें आप अगर कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, मतभेद होता है तो ज्वाइंट सिटिंग नहीं कराई जा सकती। किस मामले में? धन विधेयक और संविधान संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो मैंने बताया नहीं शायद, राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। बुलाते कौन है? राष्ट्रपति, आर्टिकल 108। क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? ठीक है, आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है, तो ये हुई थी 1940 में, ठीक है, लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। और जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, जो सॉरी लाहौर में हुआ था जो मीटिंग होती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1940 में, ये हुआ था लाहौर में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है, इतना आपको अच्छे से याद कर लेना है। बात रही मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 30 दिसंबर 1906 में। 30 दिसंबर पूछा गया कई बार, 1906 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी, कहाँ पर की गई थी? ये ढाका में की गई थी। देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है, ढाका में किया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया? आपके सामने यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, चंपारण, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, ठीक है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था, ठीक है। देखिए जो असहयोग आंदोलन है ये कब स्टार्ट हुआ था? 1 अगस्त 1920 में ये शुरुआत की गई थी, इसकी 1920 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। और इसकी समाप्ति कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 में। क्यों हुई थी? देखिए गोरखपुर के चौरा चौरा नामक स्थान पर पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी, इससे जो है नाराज़ होकर के, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने इसको बंद कर दिया, ठीक है, वापस ले लिया असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय में। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और राजा राम मोहन राय को ही आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। और देखिए दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। बात रही स्वामी विवेकानंद की, तो स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की जो है स्थापना की थी, शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किसके शासनकाल में बनाए गए? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा चंदेल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर, ठीक है। ये खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश में, और ये हिंदू और जैन धर्म को समर्पित है, और इसकी जो स्थापना जो है 1950 और 1050 के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है, वोल्ट, कूलाम, केल्विन या एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर, ठीक है। यहाँ पे हमने साइंस और जीके के टॉप 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।